हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज देखते हैं लैंसडाउन का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल। तो चलो आज जानते हैं, जाते हैं हम बुल्ला ताल। तो हम भुल्ला ताल के पास आ गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भुल्ला ताल की तरफ जाने का रास्ता आपको बता रहे हैं। तो ये उत्तराखंड में लैंसडाउन में ये भुल्ला ताल है। तो भुल्ला ताल एक झील है और यह एक पर्यटक स्थल है। कोटद्वार से 40 किलोमीटर दूर ये लैंसडाउन में है। तो ये झील एक पर्यटक स्थल के तौर पर जाना जाता है। तो ये भुल्ला ताल भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स के युवा को समर्पित है, जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दी। लैंसडाउन में पर्यटक स्थल में ये भुल्ला ताल झील एक कृत्रिम झील है और यह पिकनिक स्टॉप के नाम से जानी जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं भुल्ला ताल के झील पर। तो ये देख सकते हैं यहाँ से उतरने का हम रास्ते से जा रहे हैं नीचे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ ये परिवार के साथ जो भी फैमिली जाते हैं उनके बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पार्क भी अवेलेबल है। तो हमने गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी है और अब जा रहे हैं हम झील की तरफ। तो ये झील की तरफ इधर से जाने के लिए रास्ता है, लेकिन मैं आगे से आपको दिखाती हूँ। तो मैं बाहर से एक बार दिखाती हूँ, जो ये रोड आगे चला जाता है इससे बाहर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये बाहर से ऐसी दिखती है झील। तो चलो हम फिर से ऊपर की तरफ चलते हैं और अंदर जाते हैं। ये हम गेट से अंदर जा रहे हैं। यहाँ से नीचे उतरने के बाद ये आपको बहुत ही खूबसूरत गेंदे के फूल दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ का जो भी काम रहता है ये गढ़वाल राइफल्स के अंडर आता है। और यहाँ इस जवानों ने ये जो झील बनाई हुई है, यहाँ लोग काम पे रखे हुए, ये बहुत अच्छे से यहाँ का मेंटेन करके रखते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ टिकट काउंटर है दाई तरफ। तो हम देख सकते हैं यहाँ आपको टिकट लेना होता है और टिकट
बड़े इंसान के लिए 150 रुपये होता है लेडीज़ और जेंट्स, और 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए भी 150 रुपये आपको पे करने होते हैं। तो यहाँ 2 बजे से 1 घंटे की ब्रेक टाइम होता है, तब आप यहाँ से छोड़े नहीं जाते हैं अंदर। अब यहाँ छोड़ दिया है, देख सकते हो आप। अब हम अंदर चले जाएंगे। ये दाई तरफ का नज़ारा है, यहाँ एक झूला लगा हुआ है पेड़ से लटका हुआ, यहाँ हर कोई बड़ा और छोटा हर कोई झूल सकता है, तो ये बहुत ही प्यारा है, आप इसके ऊपर भी झूल सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगता है। परिवार के साथ अगर आप आते हो तो यहाँ आपको एक शांतिपूर्ण वातावरण मिलता है, और लोग इसी वजह से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ से आपको झील की तरफ जाने के लिए रास्ता है, तो यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं और जाते हैं। अब हम यहाँ झील के बहुत ही पास आ गए हैं, और यहाँ ये बैठने के लिए रखा हुआ है, यहाँ आपको लाइव जैकेट दिया जाता है, क्योंकि ये झील बहुत पानी होने की वजह से छोटे बच्चों को और बड़ों को अगर कभी झील में गिर जाए तो आपको सेफ्टी के लिए यहाँ लाइव जैकेट दिया जाता है। और आप यहाँ इस झील के अंदर बोटिंग कर सकते हैं, जब आप आपके परिवार के साथ यहाँ अंदर बोटिंग करते हो तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है, आप देख सकते हो।
से 25 मिनट के बाद आपको बुला लिया जाता है, तब आपको जाना होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।